Hey guys, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और गाइस, मेरा छुट्टी खत्म हो चुका है। अभी फिलहाल मैं हूँ स्टेशन पर, और छुट्टी खत्म होने के बाद घर छोड़ने का मन नहीं करता है, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। और ये सब मेरा भाई लोग है, मेरे को नजदीक स्टेशन तक छोड़ने आया था। The next day. Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. And guys, मैं फिलहाल अभी हूँ ट्रेन में, छुट्टी खत्म हो चुका है और परसों ही आया हूँ ट्रेन से, तो नहीं बना पाया कुछ कारण की वजह से वीडियो। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाएंगे, फिलहाल अभी विजयवाड़ा पहुँच चुका हूँ आंध्र प्रदेश, और इधर से मैं तेलंगाना जाएंगे, फिर इधर से छत्तीसगढ़। तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ इस ब्लॉग में दिखाएंगे, और ट्रेन का जाने थोड़ा बहुत दिखाएंगे आप लोगों को। A few moments later. तो फाइनली गाइस, आंध्र प्रदेश पहुंच चुका हूँ विजयवाड़ा स्टेशन। तो ये था मेरा ट्रेन, तो अभी चल रहा हूँ उस तरफ। तो ये आंध्र प्रदेश पड़ता है विजयवाड़ा, और इधर से मेरा तेलंगाना तक जर्नी है, तो बस पकड़ेंगे आगे जाके। गर्मी है, तो अभी बाद से जर्नी करेंगे तेलंगाना तक। तो ऊपर जा रहा हूँ ब्रिज से ऊपर। और गाइस, अभी पहुंच चुका हूँ ऑटो स्टैंड, अभी ऑटो लेके चलेंगे बस स्टैंड तक, फिर उधर से बस से जर्नी होगा। ऑटो ले लिए हूँ, दो भाई मिलके और बैठे ऑटो में। और गाइस, काफी ज्यादा गर्मी है आंध्र प्रदेश में। अभी गाइस ऑटो से उतर चुका हूँ, अभी बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ, ये देख सकते हो। एक्चुअली ना गाइस, इधर और थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हिंदी कम आदमी जानता है। और अभी जाते हैं टिकट करते, फिर कुछ खा लेंगे, फिर चल लेंगे तेलंगाना के लिए। इधर से मेरा जर्नी रहेगा करीब से 7 घंटा का। और इस तरफ देख सकते हो बस स्टैंड, ये टिकट के लिए मैं घूम रहा हूँ। काउंटर मिल गया है अभी, इस तरफ है काउंटर, देख सकते हो टिकट काउंटर। तो अभी पूछते हैं मेरा तेलंगाना तक कितना भाड़ा है, कितना टिकट का दाम है, पूछ लेते हैं। काउंटर में पूछ लिया गाइस, और बोल रहा है 45 नंबर प्लेटफॉर्म में लगेगा बस, तो उधर ही टिकट मिल जाएगा 15 सलाम के लिए। तो अभी चलते हैं उधर तक। टिकट वगैरह हो गया है गाइस, और अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा है, क्योंकि अभी दोपहर का 2:30 बज चुका है। साउथ इंडिया आया हूँ तो स्पेशल डोसा खाऊँगा, तो देख सकते हो केला का पत्ता में डोसा देगा। अभी गाइस, डोसा खा के फिर से बस स्टैंड आ गया हूँ। मेरे को चाहिए था चावल, चावल नहीं मिला, तो अभी चाय पी लेते हैं। और चाय का दुकान देख सकते हो इस तरफ है, तो अब चाय पी लेते हैं, उसके बाद बाद भी रुका हुआ है शायद, तो अंकल की दुकान से अभी चाय पी लेंगे इधर। फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पहुंच चुका हो, और ये है भद्रासलम, तेलंगाना का एक शहर है। पीछे दो दोस्त है, इनको भी मिल गया, ये दूसरे जगह में जाएगा, मैं दूसरे जगह जाएंगे। फिलहाल अभी ऑटो लेंगे, कुछ खा लेंगे, फिर चलेंगे और इधर से ऑटो। और अभी गाइस, ऑटो भी मिल गया है, तो भाई को मिल गया इधर, भाई जाएगा मेरे को छोड़ने, और इधर ऑटो में कवर कर देते हैं।
बेच चुका हूँ और भाई चला रहा है ऑटो। अभी जाएंगे हम लोग मटन लेने के लिए आगे, तो मटन का मीट खाने का मन कर रहे हैं, तो मटन लेके चलेंगे, पार्सल लेंगे एक्चुअली। और अभी रात का 10 बज चुका है और इतने रात को ऑटो वाला भी बोल रहे हैं, मेरा जहाँ तक डेस्टिनेशन था उधर तक ऑटो वाला भी बोल रहे हैं नहीं जाएगा, तो अभी होटल से बिरयानी लेंगे और एक लॉस लेके रात को इधर ही रहूँगा। और गाइस मैं लॉस पहुँच चुका था, ऊपर बैग वगैरह रख के मैं नीचे आ गया दुकान में, सर्फ ले लिया, उसे शैम्पू ले लिया, साबुन ले लिया हूँ भाई की दुकान से, तो इधर थोड़ा फसाओ का प्रॉब्लम होता है सामान खरीदने के लिए, तो अभी जा रहा हूँ रूम तक। और गाइस देख सकते हो यार ये साइन बोर्ड तेलुगु से लिखा हुआ होता है, और आज नहीं गया होटल में रुकेंगे, ऊपर है लॉस मेरा, आज इधर ही रुकेंगे क्योंकि रात हो गया है इसलिए नहीं गया, तो कल सुबह इधर से चलेंगे, इधर से ज़्यादा दूर नहीं रहेगा 35 किलोमीटर है, तो रात को गाड़ी थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए फिलहाल अभी लॉस लिया हूँ, लॉस में रहेंगे। और अभी फिलहाल शैम्पू साबुन लाया हूँ, नहा लेंगे क्योंकि 2 दिन हो गया, तो अभी चलते हैं ऊपर। और गाइस मैं फाइनली रूम पहुँच चुका हूँ, लॉस के रूम है ये, देख सकते हो कुछ इस तरह है देखने के लिए, एक ही बेड है और टीवी भी कुछ नहीं है, नॉर्मली रूम है, नॉन एसी रूम है, 700 रुपये में मिल गया। और इधर तो लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, भाषा भी समझ में नहीं आता है, जैसे मंगा मैं वैसे ही दे दिया, तो फिलहाल अभी रूम में रहेंगे, कल सुबह अपना डेस्टिनेशन की ओर चलेंगे। अभी नहा धो के फ्रेश हो लिया, आप लोग देख सकते हो, देख के सोच रहे होंगे आप लोग कि मैं नहाया नहीं हूँ, नहा लिया हो, तेल तुल नहीं लगाया हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर तेलंगाना में, तो इधर से मेरा डेस्टिनेशन 35 किलोमीटर है, लेकिन रात को 35 किलोमीटर 1200 रुपये ऑटो वाला मांग रहा है, तो फिलहाल इसीलिए मैं 700 रुपये में रूम ले लिया और सुबह में 50 रुपये में उधर तक चला जाऊँगा। तो अभी फिलहाल लाया था मैं मटन बिरयानी, तो खा लेता हूँ अभी और सुबह मिलते आप लोगों से। और इधर देख सकते हो गाइस, ये बाहर से मैं मटन बिरयानी लाया था, 300 रुपये का लिया है और चावल काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, चावल देख सकते हो इधर भी है और इधर भी है, मतलब एक ही पैकिंग में दिया था, मैं आधा इसमें लिया हूँ और आधा तो रह जाएगा पर्स में। और मटन ऐसे 5 से 20 दिया है, 3 पीस प्याज दिया, 1 पीस नींबू और थोड़ा बहुत टारी दिया है, इसमें मेरा लिया है 300 रुपया। तो ऐसा है मटन बिरयानी तेलंगाना का, तो अभी खा लेते हैं फिर सुबह मिलते हैं आप लोगों से।